हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे जब वो एक्सियल लाइन पे हो और इक्वेटोरियल लाइन पे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल और एक्सियल लाइन। देखो, एक तो निकलता है एक्सियल लाइन, एक निकलता है इक्वेटोरियल लाइन। बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार आता था, आया है और आगे भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखना है ताकि कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये समझो कि एक तरह से तुम लोग के लिए गेस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक्सियल लाइन के लिए समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो वैसे डायपोल जिसका बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ठीक है, कभी भूल जाओ टॉपिक तो जितने लेक्चर है उसमें पीछे वाले लेक्चर को देख लो, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डायपोल पर कंसिडर करते हैं। मान लो यहाँ कोई डायपोल है, एक ए है एक बी, ए एंड बी एक डायपोल है, इसके दो पोल्स हो गए ए एंड बी। ए पे माइनस क्यू चार्ज हो गया और बी पे प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया यहां से ये टू ए, मान लो बीच का डिस्टेंस हो गया टू ए। अब मिड पॉइंट क्या हो गया, वो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ए बी एक डायपोल है, ए पे माइनस क्यू चार्ज, बी पे प्लस क्यू चार्ज, बीच का डिस्टेंस 2 है, मिड पॉइंट O, A से O का डिस्टेंस A और O से B का डिस्टेंस A। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब O से R डिस्टेंस पे P एक अनदर पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। फिर से ध्यान दो, ए बी एक डायपोल है, इसका एक पोल A, अनदर पोल B, A पे माइनस क्यू चार्ज, B पे प्लस क्यू चार्ज, बीच का डिस्टेंस 2 है, मिड पॉइंट O। ये बहुत छोटा होता है, बता भी चुका हूं डायपोल का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। इसलिए भी बताया था कि 2a क्यों मानते हैं, 2a इसलिए मानते हैं क्योंकि हमको किसी भी एक्सप्रेशन को फाइंड करना हो लगभग तो 99% ये चांस रहता है उसको बीच से हम लोग आधा करेंगे, तो इसलिए उसको हम लोग 2a मानते हैं ताकि a और a में, अभी देखो अभी पट गया है। ठीक है, तो इसलिए 2a और a, मिड पॉइंट o, तो a से o का डिस्टेंस a और o से b का डिस्टेंस a, o से p का डिस्टेंस कितना r, p पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पोल्स के चलते इसके चलते इस पर क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, इसके चलते और इसके चलते निकाल के जोड़ देगा तो निकल जाएगा डायपोल के चलते, वन पोल के चलते मिला देंगे डायपोल के चलते। ठीक है, तो यहां से इस पर फोर्स लगेगा, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, अट्रैक्शन खींचेगा तो इधर खींचेगा ई। मान लो कि यहां इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ई वन, ठीक है, ये माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस क्यू के चलते यहां पे अट्रैक्शन होगा, खींचेगा, ठीक है, तो ई वन इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इसके चलते भी ये भी फोर्स लगाएगा, तो ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो ये अट्रैक्शन लगा रहा है, ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा ई टू, यहां छोटा एरो क्योंकि इसके चलते फोर्स कम लग रहा है, और यहां पे बड़ा एरो क्योंकि उसके चलते फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसके चलते फोर्स क्यों ज्यादा रहेगा, ये पास में है, अरे ये देखो मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ ये क्यू और ये क्यू दोनों तो बराबर है, एक माइनस है, क्या है प्लस है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड,
ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बराबर है, लेकिन इसका देखो पी से डिस्टेंस देखो तो इसका पी से डिस्टेंस ज्यादा दूरी पे है तो इसका फोर्स कम लगेगा, और ये नजदीक है तो इसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो यहां पे देखो अट्रैक्शन होगा और यहां रिपल्शन होगा, लेकिन ये अट्रैक्शन के बावजूद ये इसको रिपेल कर देगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ने के चलते इसका इसकी तुलना में फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसके चलते अट्रैक्शन हुआ, इसके चलते रिपल्शन हुआ, ये दूर है तो कम फोर्स अप्लाई होगा, ये नजदीक है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट देखो तो रिजल्टेंट हो जाएगा, देखो अगर मान लो यहाँ फोर्स कम लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम लग रहा है, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो रिजल्टेंट कितना, ये खींच के लेके चला जाएगा, मान लो ये 5 ये 25 सपोज दैट, ठीक है। तो ये 5 ये 25 तो ये तो 5-5 से कैंसिल हो जाएगा, 20 के फोर्स से उधर भाग में लगेगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ई इक्वल टू रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, E2 - E1, रिजल्टेंट हो गया E2 - E1, ठीक है। टोटल वैल्यू इसका निकला, इक्वेशन फर्स्ट। अब फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो फॉर्मूला रखो इसका E2 का 1/4πε0Q/R2। तो जब E2 चुनेंगे तो इसको चुनेंगे प्लस Q, जब E1 चुनेंगे तो माइनस Q, ठीक है। E1 चुनेगा तो माइनस Q, क्योंकि E1 जो है माइनस Q के चलते हैं और E2 जो है प्लस Q के चलते हैं, किस पे, P पे। E1 है P पर माइनस Q के चलते, E2 है P पर प्लस Q के चलते, तो जब E1 चुनेंगे तो माइनस Q डिस्टेंस AP और E2 चुनेंगे तो प्लस Q डिस्टेंस BP, समझ गया। E1 चुनेंगे तो AP चार्ज माइनस Q होगा और E2 चुनेंगे तो BP, ठीक है, BP चार्ज प्लस Q हुआ, लेकिन चार्ज तो पॉजिटिव ही नहीं है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो E2 की वैल्यू भरो, तो E2 का वैल्यू भरेंगे, ठीक है, तो Q का Q हो गया और डिस्टेंस हो गया BP, क्योंकि B के चलते P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहां लिखू, E = होता है 1/4πε0Q/R2, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे तो बना रहा हूं, ठीक है। अब E1 का वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0, E1 कितना है मेरे भाया, तो वही चार्ज तो Q सेम रहेगा और E1 हुआ P पे A के चलते, तो AP का स्क्वायर, कहीं दिक्कत होगा तो बोलने का, ठीक है। फिर से बता दूं, E2 है ना, E2 है P पे इसके चलते प्लस क्यू के चलते, डिस्टेंस बीपी, और E1 है माइनस क्यू के चलते पी पे ही, ठीक है, तो डिस्टेंस एपी, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन ले लो, क्या कॉमन हो सकता है, क्यू कॉमन हो सकता है, 4πε0 कॉमन हो सकता है, तो बचा क्या, 1/BP का स्क्वायर माइनस 1/AP का स्क्वायर, कितना बचा, ठीक है। अब बीपी का वैल्यू पुट करेंगे, एपी का वैल्यू पुट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना इसको, लैंग्वेज जो बता रहा हूं उसको लिख लेना। वी कंसीडर ए डायपोल, वन पोल इज ए, अनदर पोल इज बी, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स इज 2a, मिड पॉइंट इज ओ, सो AO इक्वल टू ए एंड OB इक्वल टू ए, ठीक है। वी कंसीडर एट ए पॉइंट P हैविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड B R, so we have to find the electric field intensity at P due to dipole. इतना ये लिख लेना, ठीक है। And E1 is the electric field at point P due to minus Q, and E2 is the electric field at P due to plus Q. ये थोड़ा सा उसका language लिख लेना, figure बना कर language लिख लेना, उसके बाद ये, ठीक है, ये जरूरी है। ये E equal to हो गया Q/4πε0 BP का, देखो तो BP ये distance चाहिए हमको, तो ये डिस्टेंस देखो तो ये R - A, R इतना बड़ा और A इतना बड़ा, R में से एक काट लिया तो क्या बचा, BP, तो हो जाएगा 1 - R - A का होल स्क्वायर माइनस AP इतना बड़ा है, तो देखेंगे A प्लस R, ये A हुआ और ये R हुआ, तो लिखेंगे A प्लस R, या R प्लस A लिख दो इस तरह से, R प्लस
एक होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? कहीं दिक्कत होने का तो बोलने का। यहां देखो, यहां देखो फिर से बीपी, बीपी है ना, तो इतना बड़ा में से इतना जब काटेगा तो इतना ही ना बचेगा, तो यहां R माइनस ए तो बचा ये, ठीक है। और फिर हमको लेना है एपी, एपी इतना बड़ा, तो इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, तो बन जाएगा इतना, तो हो जाएगा ए प्लस आर, उसको आर प्लस ए हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये यहां चला गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, ये यहां चला गया, ठीक है, ये यहां चला गया। अब हो जाएगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पे तोड़ दो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो, दोनों एक ही चीज है, चलो कोई फॉर्म तोड़ो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू आर ए, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू आर ए, वाई में क्या हो जाएगा, वाई में हो जाएगा आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे चलो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर टू आर ए, इसको ब्रैकेट हटाओ, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर, कैंसिल करो, काटे ये कट गया, फिर ये कट गया, चलो इतना छाप लो, पहले छापो छापो, मिटाऊं, चलो मिटा रही हूं, मिटाऊं ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये वाला इक्वेटोरियल लाइन वाला ये बहुत जरूरी है, या और गॉसेस थ्योरम, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो टॉपिक तो एकदम एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये इक्वल टू कितना बचेगा देखो, तो q बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू आर ए, टू आर ए कितना होगा, फोर आर ए, फोर आर ए, फोर आर ए, फोर आर ए। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख दो, चार है ना, तो इसको लिख दो टू ए इंटू टू आर, क्यू का क्यू लिखा, फोर आर ए है तो इसको टू ए इंटू टू आर लिख सकते हैं, बाई हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर, इतना आया। अब देखो क्यू इंटू टू ए के लिए क्या लिख सकता है, पी लिख सकता है, इसके लिए पी लिखेंगे, तो पी इंटू टू आर, पी इंटू टू आर है ना, बाई क्या हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख तो सुंदर लगेगा देखने में, 2rp अपॉन 4pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का स्क्वायर, इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ये तो समझ गए, ठीक है, इतना भी छोड़िए या इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं हम, थोड़ा सा आगे और हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का, ठीक है, कितना होगा। अब देखो इफ आर मोर ग्रेटर देन ए, आर जो है ए से बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा है, जैसे अभी हमने बताया कि जो ये जो बीच का जो डिस्टेंस होता है डायपोल का ये बहुत छोटा होता है, और जो यहां आर का डिस्टेंस हम क्या मान लें कि बहुत दूरी पे है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस इसका बढ़ गया, इसका मतलब हुआ कि ये चीज बहुत छोटा हो गया, तो उस कंडीशन में हम ए को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ए नेगलेक्ट हो जाएगा, मतलब समझिए कि ए जो है बहुत दूरी पे है, अब 5 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है,
पांच किलोमीटर में एक सेंटीमीटर जोड़ेगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या घटाएगा भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसके बाद स्क्वायर हो गया और बड़ा, छोटी क्वांटिटी स्क्वायर किया और छोटा, छोटा चीज का स्क्वायर करेगा और छोटा होता है, छोटा चीज का स्क्वायर बता भी चुका हूं, छोटा चीज का स्क्वायर करेगा और छोटा होता है। ठीक है, ये 50 पैसे, ये स्क्वायर किया तो 25 पैसे, ये 5 स्क्वायर किया तो 25, ये 5 रुपया स्क्वायर किया तो 25 रुपया। इसका मतलब हुआ बड़ा चीज का स्क्वायर और बड़ा, छोटा चीज का स्क्वायर और छोटा। तो बहुत बड़ा में से बहुत छोटा चीज को माइनस करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि आर इज मोर ग्रेटर देन ए, देन क्या होगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 2RP/4πε0, और यहां पे ए स्क्वायर है ना, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर स्क्वायर इतना हुआ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2×4 हो गया, तो 4 हो गया, 2×2 = 4 हुआ, इसको कैंसिल करो, यहां 3 बचेगा। ठीक है, क्या बचा, E इक्वल टू 2π/4πε0 × r³। ये तो आपका आ गया एक्सियल लाइन के लिए। ठीक है, ये एक्सियल लाइन के लिए ये रिजल्ट हो गया, ये लिख दो या अन्यथा यहां तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ा सकते हो अगर इसको कॉन्स्टेंट मान लिया जाए। इसको अगर कॉन्स्टेंट आप मानते हैं इसको, इसको इतना अगर इतना, ये तो कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, अगर पी को किसी केस में हम कॉन्स्टेंट मान लें, यहां पी को कैंसिल, इतना तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर रुको थोड़ा और लिख दो, इफ इफ 2π/4πε0 = कॉन्स्टेंट, इसको हमने कॉन्स्टेंट मान लिया, इतना आप कॉन्स्टेंट मान लो तो हो जाएगा ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/r³, होगा ना, इतना को कॉन्स्टेंट माना तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट इंटू 1/r³। अब इक्वल टू का साइन हटाओ, कॉन्स्टेंट हटाओ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगता है यहां, तो इतना आ जाएगा। तो तुम लोग एग्जामिनेशन में यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी आ सकते हो, वहां तक भी आ सकते हो। चलो इसको जल्दी से छाप लो, तो